बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स हमारे पास, न्यूमेरिकल्स इसके 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 हैं। लेकिन हमने करना क्या, हमने 2.2 से शुरू करना है, 2.1 को हमने नहीं करना क्योंकि 2.1 नहीं आता बोर्ड के पेपर्स में, तो हमने 2.2 से शुरू करना है। ठीक है, 2.2 सवाल आपके पास है, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है उसका मास जो मुझे गिवन है वो है 9.11 10^-31 किलोग्राम। ठीक, केजी। कन्वर्ट किस में करना है, कन्वर्ट इट इन ग्राम नंबर 1, मिलीग्राम नंबर 2 और माइक्रोग्राम नंबर 3। ठीक है, डेटा पे आओ, डेटा की आपने हेडिंग डाली। ठीक है, और m यानी कि मास इज इक्वल टू 9.11 10^-31 केजी जो कि आपको गिवन था। रिक्वायर्ड क्या था, नंबर 1 हमारे पास था ग्राम क्वेश्चन मार्क, नंबर 2 मिलीग्राम क्वेश्चन मार्क, नंबर 3 माइक्रोग्राम क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आगे चलते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन की कहानी क्या है, आप आओ और आप एक चीज का ख्याल रखना, जो आपने यहां पे नंबरिंग की है सॉल्यूशन के अंदर उसी तरीके से नंबरिंग करना। नंबरिंग गलत करोगे तो ये एक अच्छी आपकी इंप्रेशन नहीं जाता आपके चेकर के पास। आपने सॉल्यूशन गेटिंग डाली और नंबर वन से वो खुद समझ जाएगा कि ये बच्चा या बच्ची यहां पर इसको ग्राम में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, एम इज इक्वल टू 9.11 10^-31 केजी पहले जो आपका जो आपको गिवन है पहले ऐसे ही लिख के दिखा दो और उनको यूनिट भी बताओ। ठीक है, नंबर सेकंड स्टेप में मैंने क्या करना है, मैंने इसमें करना यह था कि मुझे किलोग्राम को लेकर आना था ग्राम में। अब जहन में एक बात देखो, एक बात नोट करो, किलोग्राम में से अगर मैं के हटा दूं तो किलोग्राम में से किलो हट गया तो बचा क्या मेरे पास, जो मेरा रिक्वायर्ड है ग्राम। ठीक है, आगे चलते हैं। याद रखना, जब भी मुझे किसी वैल्यू में से कोई चीज हटानी होती है तो मैं उसकी जो यूनिट प्रीफिक्सेस के टेबल में होती है मैं उसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ, और जब भी मुझे कोई चीज लानी होती है बाहर से तो मैं उसकी यूनिट को डिवाइड करवाता हूँ। ये कैसे हुआ सुनते हैं। 9.11 10^-31 केजी है, ये आपके पास गिवन था। मुझे क्या करना है, मुझे जस्ट किलो को हटाना है बाहर, मेरे पास ग्राम बन जाएगा अपने आप, तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहता। मैंने क्या किया, 9.11 10^-31 ये मेरे पास मौजूद था, किलो की जो प्रीफिक्सेस के टेबल में यूनिट है वो है 10^3, मैंने उसको मल्टीप्लाई करवा दिया। क्यों, क्योंकि मैं किलो को हटा रहा हूं, जब भी मैं हटाता हूं तो मैं चीज को मल्टीप्लाई करवाता हूं। ठीक है, जब मैंने इसको हटाया तो उसके बाद क्या हुआ, जस्ट मैं इसकी यूनिट को लाके मल्टीप्लाई करवाऊंगा। जब भी याद रखना, 2 बार 10^ बन जाए तुम एक बार लिखो और इनकी पावर्स को आपस में ऐड करा दो, -31 + 3, तो ये बन जाएगा m इज इक्वल टू 9.11 10^-28 ग्राम। यूनिट लिखना नहीं बोलना वरना एक नंबर तुम्हारा पेपर में गया। नंबर टू मुझे इसको कन्वर्ट करना है मिलीग्राम में। मैंने क्या किया, मैंने लिया m इज इक्वल टू 9.11 10^-28 ग्राम। अब तुम बोलोगे यहाँ पे ग्राम क्यों नहीं लिया, हमने यहाँ पे किलोग्राम क्यों नहीं लिया, उसकी वजह यह है कि अगर मैं किलोग्राम लूंगा काम आसान है, कोई मसला नहीं, लेकिन किलो के बाद मुझे पहले किलो को हटाना है यानी कि मुझे ग्यारह प्रोसेस फिर से करना है, देन मुझे मिली को लेकर आना है, तो बेहतर ये नहीं कि मैं जस्ट ग्राम वाली वैल्यू को उठाऊं और मैं मिली को लेकर आ जाऊं, ज्यादा बेहतर ये है। ठीक है, m इज इक्वल टू 9.11 10^-28 ग्राम। आगे चलो, मुझे इस ग्राम के अंदर जस्ट एक m का इजाफा करवाना है, मैं m लगाऊंगा तो ये मिलीग्राम बन जाएगा, यानी कि मुझे m को बाहर से लेकर आना है। जब भी मैं किसी चीज को लेकर आता हूं तो मैं उसकी यूनिट को डिवाइड करवाता हूं, जब मैं किसी चीज को हटाता हूं तो मैं उसकी यूनिट को मल्टीप्लाई करवाता हूं। मिली की यूनिट होती है 10^-3। मैंने क्या किया, ये ग्राम हटा यहां से तो ये 10^-3 डिवाइड हो गया बिकॉज मिली को लेकर आना है। जैसे ही डिवाइड करवाया, जब ये चीज नीचे 10^-3 है, जैसे ही ऊपर जाएगी ये बन जाएगी 10^+3, और वही वाला रूल हो गया, 2 बार 10^ आ गई तो मैंने एक बार लिखा और दोनों पावर्स को आपस में ऐड कराया, -28 + 3 मेरे पास बन गया -25 मिलीग्राम, हमारे पास m आ गया। नंबर थर्ड, माइक्रोग्राम, मैं वही करूंगा, मैं इसको नहीं लूंगा, ठीक है, मैं इसको भी नहीं लूंगा मिलीग्राम को, क्यों नहीं लूंगा, मैं अगर मिलीग्राम को लेता हूं तो मुझे पहले मिली को हटाना है फिर माइक्रो को लेकर आना है, मैं लंबा काम क्यों करूं, मैं जस्ट ग्राम को सिलेक्ट करूंगा। मैंने ग्राम किया, m इज इक्वल टू 9.11 10^-28 ग्राम, लेकर क्या आना है माइक्रो, जस्ट माइक्रो को लाऊंगा ये माइक्रोग्राम बन जाएगा अपने आप। ठीक है, 9.11 10^-28 माइक्रो की जो यूनिट होती है वो प्रीफिक्सेस के टेबल में होती है 10^-6। ठीक है,
जैसे ही मुझे माइक्रो करना, मुझे पता चला कि मुझे माइक्रो करना है, मैंने इस वैल्यू को ऊपर रखा और माइक्रो को नीचे डिवाइड करवा दिया। डिवाइड क्यों करवाया? बिकॉज हमने माइक्रो को लेकर आना है। हम जब भी लेकर आते हैं हम डिवाइड करवाते हैं। हमने इसको डिवाइड करवाया, जैसे ही डिवाइड करवाया और उसके बाद ये ऊपर गया, तो अभी हमने पिछले स्टेप में किया था, जो चीज नीचे माइनस है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगी? पॉजिटिव 6। जब दो बार 10 की पावर बन गया तो मैंने एक बार 10 की पावर लिखा और इन दोनों को आपस में ऐड कराया, -28 + 6 - 22 माइक्रोग्राम। याद रखना, हर किसी के अंदर इसी तरीके से बॉक्स बना के अगर काम करोगे तो तुम्हारा इंप्रेशन अच्छा जाएगा और तुम्हें मार्क्स पूरे मिलेंगे। अब ऐसा जब भी तुम न्यूमेरिकल करोगे तो किसी टीचर के पास कोई मौका नहीं होगा कि वो तुम्हारा नंबर काट सके। ठीक है, ये आपका 2.2 हो गया। अब हम 2.3 करेंगे। अच्छा भाई, यहाँ पर आपके पास है न्यूमेरिकल नंबर 2.3। ये थोड़ा सा आसान है बनिस्बत पिछले वाले न्यूमेरिकल के। सवाल है, द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.53 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 मीटर। रेडियस है इसका, कन्वर्ट इट इन सेंटीमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर, तीन चीजों में कन्वर्ट करना। डेटा बनाया हमने जैसे पहले बनाया था, आर लिखा, यानी कि रेडियस इज इक्वल टू 0.53 10 की पावर -10 मीटर। आपके पास पहली चीज आ गई। कन्वर्ट किस में करना है? सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, नैनोमीटर में। हमने पॉइंट्स बना के लेते जिस तरह हमने पिछले न्यूमेरिकल्स में किया। तो सॉल्यूशन पे आओ। नंबर वन, जो आपके पास रिक्वायर्ड है हम उसको पहले लिख देते हैं, यानी कि जो आपके पास गिवन है हम उसको पहले लिख देते हैं। आर इज इक्वल टू 0.53 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 मीटर, ये गिवन था। नंबर वन में हमने क्या करना है? हमने सेंटीमीटर में लेकर आना है। मैं क्या करूंगा? अभी मैंने पिछले न्यूमेरिकल में बताया था कि जब भी मैं किसी चीज को लेकर आता हूं तो उसकी यूनिट को डिवाइड करवाता हूं। यहां पर मीटर है, मैं जस्ट एक सी का इजाफा करूंगा तो ये सेंटी बन जाएगा, यानी कि मुझे सेंटी को लेकर आना है। जब मैं उसको लेकर आऊंगा तो सेंटी की यूनिट प्रीफिक्सेस के टेबल में होती है 10 की पावर -2। मैं उसको लेकर आया, मैंने उसको डिवाइड करवाया जस्ट, और जैसे ही ये चीज ऊपर गई तो ये ऊपर जाके हो जाएगी 10 की पावर +2। जब दो बार 10 की पावर बन गया तो हमने एक बार लिखा और दोनों पावर्स को आपस में ऐड करा दिया, तो हमारे पास ये आ गया 0.53 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। नंबर पार्ट टू, मिलीमीटर, वही गिवन जो मेरे पास है। यहाँ पर वाली कहानी नहीं है किलो वाली और ग्राम वाली, यहाँ पर जो गिवन है वही लिखूंगा, यानी कि 0.53 10 की पावर -10 मीटर। दूसरे में करना क्या है? मिलीमीटर, यानी कि जस्ट एक एम का इजाफा करवाना है, मिलीमीटर बन जाएगा। मैं एम का इजाफा कैसे करवाऊंगा? मैं जस्ट मिली की यूनिट को, जो कि 10 की पावर -3, उसको डिवाइड करवाऊंगा, क्योंकि मैं जब भी किसी चीज का इजाफा करवाता हूँ बाहर से लेकर आता हूँ तो उसकी यूनिट को मैं डिवाइड करवाता हूँ। मैंने डिवाइड करवाया 10 की पावर -3 को, क्योंकि ये मिली की यूनिट थी। जैसे ही ऊपर गया तो ये बन गया 10 की पावर +3। जब पॉजिटिव 3 बना और दो बार 10 की पावर आ गया, तो हमें पता है जब दो बार 10 की पावर आ जाएगा तो हम उसको एक बार लिखेंगे और दोनों पावर्स को आपस में ऐड करा देंगे, -10 + 3 - 7 मिलीमीटर। ये बहुत आसान काम हो गया। नंबर थ्री, नैनोमीटर में कन्वर्ट करना था। वही गिवन 0.53 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 मीटर। जस्ट एक अल्फाबेट लेकर आना है, एन लेकर आना है, तो नैनो की यूनिट को मैं 10 की पावर -9, जब भी मैं किसी इसको लेकर आता हूं उसकी यूनिट को मैं डिवाइड करवाता हूं। जैसे ही मैंने 10 की पावर -9 डिवाइड करवाया, जब मैं इसको ऊपर लेके गया तो ये चूंकि नीचे -9 था, ये ऊपर जाके हो जाएगा +9। जैसे ही ऊपर गया +9 हो गया, और जब दो बार 10 की पावर बन गई तो हम उसको एक बार लिखेंगे और दोनों पावर्स को आपस में हम ऐड करा देंगे, तो हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बन जाएगा 0.53 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 नैनोमीटर। ये हमारे पास 2.2 भी हो गया, 2.3 भी हो गया। अब हम अगली वीडियो में 2.4 करेंगे।